हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज यूपी TSSC की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये वैकेंसी है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2022। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की ये वैकेंसी है, मुख्य सेविका की। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मुख्य सेविका, ठीक है, UP TSSC मुख्य सेविका, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेड सर्वेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं हेड सर्वेंट। तो दोस्तों इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा आपका। ठीक है, कब से एग्ज़ाम जो है भरा जाए, जो एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, संशोधित करने की लास्ट डेट क्या होगी, सब कुछ इसमें बताऊंगा दोस्तों। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ोटो सिग्नेचर मतलब कितने के बी का होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊँगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको सैलरी भी बताऊँगा इसमें मैं, कि सैलरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताऊँगा सैलरी क्या होनी चाहिए, कौन भर सकता है, क्या केवल महिलाएं ही भर सकती हैं या जो है कि पुरुष भी भर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वैकेंसी काफ़ी बड़ी है दोस्तों। ठीक है, जो है कि 2000 कुछ वैकेंसी है। वैकेंसी सबसे पहले आपको जो है कि मैं वैकेंसी दिखा दूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल है 2693 पद। ठीक है, यानी आप तो समझ सकते हैं कि 2700 पद आप समझ के चलिए। ठीक है, 2700। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा इसमें मैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम जो है कि वीडियो बनाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है UP TSSC की तरफ से तो मेरे चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट किया जाता है तुरंत। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है मुख्य जो है सेविका, यहाँ पर मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा जो है आपका जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में हुआ था, यानी पेट का पेपर हुआ था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसे कराया जा रहा है। ठीक है, पेट में जो 2021 में आपका पेट हुआ था उसी के बेस पे जो है ये पेपर कराया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है आपकी 3 अगस्त से। ठीक है, लास्ट डेट सबमिट करने की आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की जो है 24 अगस्त है दोस्तों, 24 अगस्त 2022 है। शुल्क समायोजन एवं जो है आवेदन में संशोधन, ठीक है, मतलब करेक्शन करने की डेट जो है लास्ट है आपकी 31/8/2022। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा जो है विशेष कथन, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष जो है आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है आपका 24/8/2022 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र की जो है प्रिंट आउट जब भी आप निकाल सकते हैं, जब आप शुल्क जमा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क जमा योजन समायोजन का जो है 24/8/2022 तक अथवा जो बैंक पश्चात जो है लिखा है विलंबतम 7 दिवस के अंदर जो है अर्थात 31 तक जो है कि अनिवार्य रूप से जो है करा लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों फीस जमा करने की लास्ट डेट और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट सब कुछ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं लिखा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन जो है संख्या यहाँ पे 05 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा जो है यहाँ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी पेट के इस मतलब अकॉर्डिंग जो है अंतर्गत जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के जो है 2693 पदों पर जो है चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यहाँ पर फिर लिख रखा है कि मुख्य सेविका परीक्षा जो है मुख्य सेविका परीक्षा हेतु जो है अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट लास्टिंग जो शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पेट के अकॉर्डिंग ही जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। अतः इस परीक्षा में जो है प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पेट 2021 दिए हैं, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज कोई अन्य व्यक्ति नहीं भर पाएगा इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जिनके जो है नंबर आपके हैं, ठीक है, लिखा आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि आपका जो पेट में स्कोर होना चाहिए 0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से कम है, नकारात्मक स्कोर है तो आप अभ्यर्थी को जो है मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिसके भी 0 से ऊपर है वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि 0 से ऊपर वाले को 1-2 नंबर वाले को भी ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। कम से कम आपका मतलब 40-50 नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है, जब आपको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, कम से कम मतलब
30, 40, 50 नंबर आपके होने चाहिए शॉर्ट लिस्ट के लिए। फिर भी 25 रुपये में क्या जाता है यार, भर देना क्या पता, ठीक है, एक नंबर वाले भी भर देना क्या पता जो है कि फॉर्म बहुत लोग ना भी भरें तो भी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लक की बात है, फॉर्म भर देना 25 रुपया। हालांकि आयोग तो कमा ही रही है, इनको पहले से ही डिसाइड कर देना चाहिए कि कितने लोग फॉर्म भर, मतलब जो है कि कितने नंबर वाले फॉर्म भर सकते हैं, पर इन्होंने बस 0 नंबर से ऊपर ही कह दिया है। तो पेट में जिसका भी 0 नंबर से ऊपर है, यानी पेट में आपका 1 नंबर भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जब भी तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद लिखा है, परंतु जो है ये जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन जो है वह अवैधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में जो है आवेदन की अवैधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी, ठीक है। यानी वही है, पेट के अकॉर्डिंग जो है आपको देखा जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जिसके भी 0 नंबर से ऊपर है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इनको पहले से बता देना चाहिए, हालांकि ये लेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 30-35 नंबर से जिनके ऊपर हों, जिनके 40-50 नंबर हो, बट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप जो है कि आपके जो है कि 1 नंबर से ऊपर हैं, जब भी आप फॉर्म भर देना, 25 रुपये में कुछ नहीं जाता, ठीक है, क्या पता हुई, क्या पता कम अभ्यर्थी फॉर्म भरें और आपका हो जाए, ठीक। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है जो है ऑनलाइन आवेदन करने की करने वाले जो है अभ्यर्थियों के लिए जो है आवश्यक सूचना। यहाँ लिख रखा है कि विज्ञापन जो है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु जो है ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जो है लागू की गई है, मतलब और किसी माध्यम से आपको जो है फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप लोग बस UP SSC की साइट पे जाके ही अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, और किसी भी माध्यम से ये फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिर से ये साइट देख लीजिए दोस्तों, UP SSC UP SSC.government.in, इसी पे जाके आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। दूसरा पॉइंट है आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि वे जो है विज्ञापित पद हेतु जो है वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि इसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट है वो आपके पास होने चाहिए, तो मैं बताऊँगा अभी बताऊँगा आगे चल के कि क्या आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, ठीक है, शैक्षिक अर्हता भी इसमें बनाऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर लिखा अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो है यहाँ पे www.government.in पे होम पेज पे लाइव एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ के एडवर्टाइजमेंट जहाँ फॉर्म भरेंगे वहीं पे एडवर्टाइजमेंट भी लिखा रहता है दोस्तों, तो उस पर आप क्लिक करके पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे सावधानीपूर्वक, फिर ही जो है आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा कि आवेदन की प्रक्रिया संबंधी निर्देश, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन करेंगे, ठीक है, यानी आपका जो पेट का आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पेट का, ठीक है, पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जो है ये खुलेगा, ठीक है, तो आप पेट का जो है प्रक्रिया हेतु जो है विकल्प उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि व्यक्तिगत विवरण के साथ जो है थ्रू पर्सनल डिटेल अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश की निवासी होने से संबंधी विवरण व श्रेणी जो है आपकी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप भर के लॉगिन करेंगे तो फिर आपको पूछेगा कि OTP माध्यम थ्रू OTP मोबाइल नंबर या email ID, तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर, email ID हो तो email ID के थ्रू जो है OTP आएगा, फिर OTP जब डालेंगे दोस्तों, OTP जो है फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म खुल भर के आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे लिखा आवेदन, ठीक है, लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में जो अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी जो है विवरण, जो EWS या कैटेगरी श्रेणी जो है संबंधित, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक संपर्क हेतु जो है मोबाइल नंबर, email ID, सब कुछ आपको भरा हुआ आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस भाग में जो अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा, अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने से संबंधित यस और नो करके जो है आपको भरना पड़ेगा। तो वही दोस्तों बताएं, जो शैक्षिक अर्हता है उसमें आपको जो है आप फिल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है और सर्टिफिकेट और रोल नंबर जो है आपके मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग, हाई स्कूल इंटर में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, अंकित करना है।
उसके बाद लिखा कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता जो है शैक्षिक फल ले तथा योग्यता आधारित करने की जो है तिथि में भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, लिखा अभ्यर्थी को उपयोग सूचना भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे जो है इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाया गया, वेरिफिकेशन में जो है कि प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड डाल के आप जो है सबमिट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब फाइनल सबमिट होने के बाद जो है कि कुछ चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पे फोटो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये पहले से मैं पॉइंट जो है कि वो लगा के बैठा हूँ पॉइंट की, आप लोग जो है मेन मेन चीज़ें मुझे क्या बताना आप लोग को स्पेशली। तो यहाँ पे फोटो एंड जो है हस्ताक्षर है, तो लिखा है इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब जब पेट में आपने फॉर्म भरा था पेट का 2021 का, तो में जो भी फोटो और सिग्नेचर है हस्ताक्षर है आपका वो स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा और ये इसमें जो है कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है, वो फोटो और सिग्नेचर वही रहेगा। फिर लिखा अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत तो बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा अन्य विवरण, इस भाग के अभ्यर्थी को अधिगामी अर्हता यदि कोई है तो के संबंध में एस और नो विकल्प चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया अस्थाई व पत्ताचार पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। ठीक है, मतलब जो आप एड्रेस डाले हैं वो भी आपका प्रदर्शित हो जाएगा और घोषणा पत्र भी। तो ये घोषणा पत्र है दोस्तों कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे पास है, हमें कोई चीज़ है तो यहाँ पर लिखेगा। फिर उसके बाद लिखेगा प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, तो आप प्रोसीड करेंगे फिर पेमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है कि फीस का भुगतान समायोजन एप्लीकेशन जो है आप देख सकते हैं कि आपको लिखा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI के जो है चालान के माध्यम से आप जो है किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं 25 रुपया। ठीक है, डेबिट कार्ड, डेबिट मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, कोई भी बैंक का कार्ड हो चल जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे, मतलब फीस जमा कर लेंगे। उसके बाद लिखा है कि उसके बाद दोस्तों समायोजन का डेट मैंने बताया था कि 31 तक है। ठीक है, समायोजन का डेट आपका जो है, फिर यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क है। ठीक है, यानी सभी कैटेगरी के लिए जो दोस्तों 25-25 रुपये ही है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए जो है कि आज जनरल हों, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, विकलांग हैं, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 25 रुपया ही आपका चार्ज लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क। ठीक, आवेदन शुल्क। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित तो उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम है उनको जो है कि शुल्क जो है कैसे देना होगा, तो आइए मैं इसमें दिखाता हूँ। लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु जो है शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी ही द्वारा ही जो है किया जाना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु जो है शुल्क, परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन निर्धारित किया जाएगा, भुगतान मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म अपना प्रिंट आउट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है कि प्रिंट आउट कर लेंगे उसके बाद। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे संशोधन की, संशोधन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा कि आवेदन पत्र में संशोधन, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, यानी संशोधन करने का ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, संशोधन किस क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर नाम में गलती हो गई है, पिता के नाम में कोई गलती हो गई है, पत्राचार व्यवहार मतलब एड्रेस में कोई गलती हो गई आपकी, अन्य व्यक्तिगत जैसे EWS 36 आरक्षण और अक्षण में कोई गलती होगी तो भी आप, फिर जाति श्रेणी में जो है कोई गलती होगी तो भी, लिंग जेंडर में गलती हो गई है तो भी आप जो है दोस्तों अपना करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये मेन पॉइंट लिखा, विशेष नोट लिख रखा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जो है 3/2021 यहाँ पे 2021 यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कि TC दिनांक 30/7/2021 द्वारा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा में दिव्यांग जन के जन को जो है समूह क ख ग एवं घ 0 मतलब में जो है 4% शैक्षिक आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। ठीक है, यानी 4% जो है इनको आरक्षण मिलेगा, 36 आरक्षण, उस क्रम में जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र दिव्यांगता की उप श्रेणी के संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 31/8 तक जो है कि आप संशोधन करेक्शन कर सकते हैं। ठीक,
उसके बाद दोस्तों पदों का विवरण, तो पदों का विवरण आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, किस कैटेगरी को कितना कितने पद हैं किस कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एज देख सकते हैं 21 से 40 साल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं जो है कि 5200 से जो है कि 20200 है ग्रेड पे पे, और 2800 वेतन जो है मैट्रिक लेवल 5 है, ठीक है। तो ये सैलरी आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी 5200 से जो है 5200 से जो है 20200 तक आपका जो है कि सैलरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि अनारक्षित यानी जनरल की जो सीटें हैं 1079 है, मतलब 1079 है दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए जो है 565 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 63 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो है 727 है यहाँ पे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 269 है, ठीक है, 269 है। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को जो है, मतलब ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है, यानी अनुसूचित जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं, एससी शेड्यूल वाले हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2 गुना 3 गुना है उसमें उससे, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे जो है कि 2693 है दोस्तों, ठीक। तो ये हो गई पद के बारे में, ठीक है, कैटेगरी वाइज कि जनरल वालों को जो है कि 1000 जो है कि 79 पद है, अनुसूचित जाति का 565 है, अनुसूचित जनजाति का जो है सिर्फ 53 है, 53 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 727 है, मतलब 727 है, ईडब्ल्यूएस वालों का यहाँ पे 269 है, ठीक है, यानी 269 मतलब 2 जो है कि 269, ठीक है। टोटल पोस्ट है 200 जो है 66, मतलब यहाँ पे 2000 जो है 693, मतलब 2693, ठीक। उसके बाद दोस्तों लिखा उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, ठीक है, यानी आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन की उल्लिखित अनिवार्य अर्हता अवश्य पढ़ ले, ठीक है, यानी सब कुछ आपको पढ़ लेना है। मतलब लिखा कि आवेदन करते समय जो है कि अंतिम तिथि तक जो है संबंधित शैक्षिक अर्हता आपका होना चाहिए, ठीक है, इस पर यस और नो करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपके पास यस करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके पास शैक्षिक अर्हता है तो आप यस तो करेंगे ही करेंगे। लिखा उपयुक्त सारणी में रिक्त कुल पद जो है, अभी संख्या जो है बढ़ सकती है दोस्तों, घट बढ़ सकती है, तो घटेगा क्या, बढ़ ही सकती है, हमेशा वैकेंसी हमेशा बढ़ती हैं, घटती क्या है। तो यहाँ पे 36 आरक्षण देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ मुख्य सेविका है, मतलब यहाँ पे बाल विकास सेवाएँ हुआ पुष्टाहार उत्तर प्रदेश में दे रखा है, जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं उनकी पदों की संख्या जो है 53, 36, 36, ठीक है। यहाँ पे जो है कि उसके बाद अंग घात जो है उपचरित कुष्ठ बौनापन इन लोगों के लिए जो है 35 पोस्ट है, दृष्टिहीनता है, दृष्टिहीनता के जो है 36 पोस्ट हैं, बाधिता और श्रवण शक्ति में हास को 36 पोस्ट है, और जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो है दोस्तों यहाँ पे 53 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि सैन्य वियोजन भूतपूर्व सैनिक का 134 पोस्ट है, और खिलाड़ियों हेतु मतलब उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु जो है 63 पोस्ट है, मतलब जो है यहाँ पे 53 पोस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ आरक्षित किए गए हैं पोस्ट। अब दोस्तों मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे कि इस पोस्ट को भर कौन सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, यानी सिर्फ महिलाएँ ही इस फॉर्म को भर सकती हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये रहा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लिखा इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को जो है शासनादेश संख्या जो है यहाँ पे दिनांक 26/2/1999 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग 2 के जो है शासनादेश संख्या जो है इतना के हिसाब से जो है विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा, ठीक है। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माध्यमिक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जो है 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है दायर विशेष अपील जो है, तो सब कुछ मिला के दोस्तों यहाँ पे सिर्फ महिलाएं के लिए या ये जो है पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश की महिलाएं अभ्यर्थी के मामले में पिता पत्र के निर्गत प्रमाण पत्र ही जारी होगा, ठीक है, मतलब पिता के प्रमाण पत्र से ही जो है आपका जो है प्रमाण पत्र जारी होगा, ठीक है, पिता के नाम से ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे शासनादेश संख्या जो है 347 का जो है कि यहाँ पे 2022 दिनांक 7/1/2022 के प्रविधानुसार जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु जो है रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमान्य होगा, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको भर कौन सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इसके लिए मैं पहले से अंडरलाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनिवार्य अर्हता, ठीक है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है आपका, अनिवार्य अर्हता क्या होना चाहिए, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त सारणी एक में उल्लिखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित जो है अनिवार्य अर्हता मतलब अर्हताएँ जो है शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है धारित करना जो है अपरिहार्य है, ठीक। उसके बाद लिखा कि अनिवार्य अर्हता होना क्या चाहिए शैक्षिक अर्हता, तो यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार जो है अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है, ठीक है। लिखा अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय में जो है एक विषय के रूप में जो है समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या जो है सरकार द्वारा जो है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि मतलब रखती हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका, यहाँ पे देख सकते हैं समाजशास्त्र होना चाहिए आपका, या तो आपका समाज कार्य का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या गृह विज्ञान होना चाहिए या पोषण और बाल विकास के साथ जो है कला में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया सब्जेक्ट की बात है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट से आपका मतलब जो है कि स्नातक होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों नीचे क्या लिखा है, नीचे लिख रखा है कि अधिगामी अर्हता अन्य बातों को समान होने पर मतलब पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में मतलब अधिमान दिया जाएगा, मतलब क्रेडिट दिया जाएगा, जिनके पास बी सर्टिफिकेट होगा, बी प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, उनका नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा अपने माप। प्रादेशिक सेना में कोई दो साल तक काम किया हो, ठीक है। उसके बाद पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में जो है कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है, अनुभव के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका समाजशास्त्र होना चाहिए, ठीक है, या समाज कार्य होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए, या पोषण और बाल विकास के साथ जो है कला में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा जो है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि रखती हूँ, ठीक है, यही लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर और कोई फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। और जो है कि किनको ज़्यादा फायदा होगा, जिनके पास बी प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, बी लेवल प्रमाण पत्र होगा, न्यूनतम 2 वर्ष तक अवधि तक जो है सेवा की हो कहीं पे भी सेना में, और जिनके पास ग्रामीण बच्चों को महिलाओं के कल्याण कार्य करने लिए जो है व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लास्ट आप देख सकते हैं वायु सीमा है जो 21 साल से जो है आपका 40 साल तक है, इसमें जो है कि SC ST OBC के लिए जो है दोस्तों आरक्षण होता है, ठीक है, तो जो है कि एज में छूट होगा दोस्तों, ठीक है, जो 5 साल का SC ST में होता है, 3 साल का OBC में होता है, स्वतंत्रता सेनानी वालों को भी छूट होता है, विकलांग को भी छूट होता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है लिखित परीक्षा लिख रखा है दोस्तों कि विज्ञापित पदों चयन हेतु अधिसूचना 21 मई 2015 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए जो है सीधी भर्ती 2015 में क्रमिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश में शासन संख्या जो है इतना के अनुसार जो है यहाँ पे प्रकाशित उत्तर प्रदेश अवसर स्थानीय होगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों पुराना कोई वो है याचिका है, उसके हिसाब से चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको जो है कि सूचित कर दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होगा। सबसे पहले तो फॉर्म ही भरवाना है अगस्त में, तो अगस्त तक तो आपको फॉर्म ही भरा जाएगा, उसके बाद 1-2 महीना बाद आपका पेपर होगा, ठीक है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो लिखा आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट जो है इस वेबसाइट पर यथासमय जो है पृथक की जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस और जो है कि पेपर कब होगा बहुत जल्दी जो है कि इस साइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, आयोग द्वारा। तो उसके आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या पेपर कब होगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जो है ये अपडेट पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट जब जारी होगा तो 15 गुना बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों पूरी बातें हो गई, ठीक है, ये सब कुछ आपको मैं इसमें बता ही चुका हूँ, ठीक, कुछ छूटा नहीं है। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।